film, willing and willing and action. You guys know, one more. आपने कहा था बाल्बी की आवाज आई है बोलिंग. हाँ, मैं सुना कि आपको आप टाइमिंग बंद हो गई. बाल्बी पे हमने बहुत भरोसा करके सरोगेसी का डिसीजन लिया था कि सुहानी माँ नहीं बन सकती तो बाल्बी उसके लिए उसे युवराज को हेल्प करेगी सरोगेट मदर बन के. लेकिन बाल्बी के अचानक से उसके उसका बिहेवियर उसके लक्षण जो है वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं. तो हम सब पे हुक्म चलाना शुरू कर दिया उसने. उसको लगने लगा कि पूरा बिरला मैंचर उसी का ही है. तो अब हम सबसे काम करवाना शुरू कर दिया है, दादी से पाँव दबाना शुरू कर दिया है, दादी को माली बना दिया था उसने. तो ऐसा सब हो रहा है. तो बस अभी मैंने दाल बाटी बनाई और जैसे मैं आई डाइनिंग टेबल पे उसने कहा कि भावना भाभी आप मत सर्व कीजिए, मेन का भाभी आप सर्व कीजिए. तो हम सबसे काम करवाना चाहती है. तो बेसिकली उसके लक्षण जो है वो अब बदल रहे हैं. तो हम भी इस बात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें शक है, मुझे सुहानी को शरद को शक है कि बारहवीं जो है जितनी सीधी दिखती है जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं. तो रात को जगराते से वापस आना, साड़ी के नीचे जीन्स पहन के आना, तो ये सब जो लक्षण है ये इतने भोलेपन के नहीं है. तो हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करें कि एक्चुअली बारहवीं के मन में है क्या, वो चाहती क्या है. मैम अभी होली आ रही है, होली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? होली किस प्रकार किस तरीके से मनाते हैं? देखिए मैं तो बहुत ही सेफ होली मनाती हूँ जिसमें कि केमिकल से स्किन को प्रॉब्लम ना हो किसी की. और खेलिए, मस्ती कीजिए, लेकिन थोड़ी संभल के कीजिए ताकि आपकी मस्ती की वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी की आँख के अंदर आप कलर ना घुसाएं, किसी के दांत के अंदर ना घुसा दें. और सेफ रंगों का इस्तेमाल कीजिए. आजकल बहुत सारे हर्बल कलर्स आ गए हैं, आप उनका यूज़ कीजिए. और होली एक त्यौहार है बहुत ही मस्ती का, खुशी का. गुजिया खाइए, मिठाई खाइए, ठंडाई पीजिए. इस बीच अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो होली एक बहुत ही अच्छा मौका है उसे अपने दिल की बात बताने का. तो आप वो भी कर सकते हैं रंगों के बहाने, मस्ती के बहाने. तो आप अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं होली पे, मस्ती भी कर सकते हैं और बस आप लोग के साथ टाइम स्पेंड कीजिए.